दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं यकीनन खुशियां तो चुरानी पड़ती हैं, और इन हालात में जॉब का मिलना किसी खुशी से कम नहीं है। सही कह रही हो रूज, अल्लाह का बहुत शुक्र है। किस बात पे खुश होना है और किस बात पे नहीं, कभी कभी इंसान ये तमीज खो बैठता है। जब इंसान को हालात की मार पड़ती है तो ये तमीज भी चली जाती है। लेकिन आपने मेरी तरबियत सख्त हालात में की है अब्बा। हालात जैसे भी हों, मैं तमीज नहीं भूल सकती। चले छोड़े ना, किन बातों में पड़ गए, ये ले मुंह मीठा करें। अम्मी मिठाई। बस अब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने लिए, अरीज के लिए। सब अच्छा होगा। हाँ अम्मी, मुझे एडवांस सैलरी मिली है, पैसे मैंने अलमारी में रख दिए हैं, कुछ पैसे अलग कर दिए हैं, शायद उनकी जरूरत पड़ सकती है। मैं अम्मी को मिठाई खिलाकर आती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह नजर पस्त से बचाए और इसे ऐसे ही खुश रखे। पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। मेरा मतलब पैसे ही बहुत बड़ी ताकत है। क्या ख्याल है आपका? भाई इस बात पे तो इख्तलाफ किया ही नहीं जा सकता, 100% सही। वैसे अब तो उन लोगों के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं बचे। बुड्ढा वैसे इंजर्ड हो गया, और अगर इंजर्ड ना भी होता तो पैसे कमाने के लायक थोड़ी था वो। ना ना ना, ना, ना सलमान, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। बहुत बड़ी ढारस है इस वक्त उरूज के लिए। वो और इंसान के आसपास जब तक अपने मौजूद हो ना, वो कमजोर नहीं पड़ता है। किस्मत अच्छी है बुड्ढे की, उस दिन बच गया मेरे हाथों। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इजी लेना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? By the way, वो मैरीन आंटी मिली थी, मैं बताना भूल गया। तो कुछ भी नहीं, वो ही इमोशनल ड्रामा, इमोशनल बातें। मैंने ज्यादा अहमियत नहीं दी।
बहुत ही मकार औरत है वैसे, बहुत ही मकार। मुझे लगता है कि अरूज ने ही पढ़ाकर भेजा होगा। कोई नहीं, कुछ दिनों में आएंगी दोनों माँ बेटी, आके माफी मांगेगी हमसे। नहीं पहचान सके ना इन आंखों को, तो तुम्हारी याद में रो रो के हलकान हो गई। माँ हूं तुम्हारी, पाला है तुम्हें, तरबियत की है मैंने तुम्हारी। आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है बात तुमसे सलमान, मुझे करनी है। मैंने तुम्हें ऐसे परवान तो नहीं चढ़ाया था कि तुम इंसानों का एहसास करना छोड़ दो, सिर्फ अपनी जिद के गुलाम बन के रह जाओ, ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? डिस्टर्ब हम कर रहे हैं तुम्हें, डिस्टर्ब ने कर दिया हम सबको डिस्टर्ब सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर। नासिर बैठे? जी सर, अपने रूम में है। ओके। अंजा फिक्र नहीं करो, मैं आज ही नासिर साहब से बात करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको अपॉइंट कर लेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट्स का एक्सपीरियंस तो मुझे पता ही है, हम साथ काम कर चुके हैं, तो आई होप कि इस मंथ से वो आपको ज्वाइनिंग दे दें। थैंक यू मैम, मुझे बहुत नीड है। आई अंडरस्टैंड, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप इस मंथ से हमारे पास आ जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। न्यू अपॉइंटमेंट अरुज भाभी देख रही हैं, अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया है तो आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सर। यू वेलकम, आप जा सकती हैं। ये क्या किया तुमने? सलमान और बैठ के बात करो। अरुज तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही है? अरुज तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही है, मेरी बात का जवाब दो। जाओ।
भाभी है यार वो मेरी। तुम्हारा उसके साथ जो भी रिश्ता था ना वो मेरी वजह से था। अब जब मेरा रिश्ता बचा नहीं तो तुम कौन सा रिश्ता निभा रहे हो? सलमान तुम बिना वजह जज्बाती हो रहे। हालात इतने खराब नहीं हुए कि वापसी का रास्ता भी ना बचे। वापस जाने ही कौन चाहता है हा? और तुम्हें क्या लगता है जो कुछ हो रहा है सब टाइम पास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा? रूज और मेरे बीच में सिर्फ एक रिश्ता बचा है, वो है दुश्मनी का। और उसका जो भी साथ देगा ना वो मेरा दुश्मन होगा। तुम मेरे दोस्ती पे कैसे शक कर सकते हो यार? बिल्कुल कर रहा हूं। तुम मेरे दुश्मन का साथ निभा रहे हो और मैं तुम्हारी दोस्ती पर शक भी ना करूं? ऐसी कोई बात नहीं है सलमान। अच्छा ऐसे तो फिर आओ निकालो से बाहर, निकालो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मैं किसी और के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। I'm really sorry. तुम शायद भूल रहे हो, तुम किसे इनकार कर रहे हो? मैं जानता हूं। नहीं जानते तुम, बिल्कुल नहीं जानते। मैं अरूज के साथ क्या करूंगा वो तो एक अलग बात है, कि तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं इसको तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे धमकी दे रहे हो सलमान? बिल्कुल दे रहा हूं। तुम हो सलमान, मेरे बचपन के दोस्त, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सारे रिश्ते नुकसान और फायदे के होते हैं, यहां कोई किसी का नहीं है। अभी भी वक्त है, सोच लो या फिर क्या करोगे? ये तुम्हारा ऑफिस है ना, ये मेरे टेंडर्स पर चल रहा है, सबके सब टेंडर्स वापस ले लूंगा और तुम जमीन पर आ जाओगे। सलमान कंपनी तो शायद फिर से खड़ी हो जाएगी, लेकिन तुम आज जिस तरह मेरी निगाहों से गिरे हो ना शायद कभी खड़े नहीं हो पाओगे। तुम्हें जो भी करना है ना करना, उरूज भाभी यहीं पे जॉब करेंगी, वापसी का रास्ता वो। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। बहुत महंगा। By the way, कैसा रहा इसका इंटरव्यू? तो सो बट कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी उस पर वो पूरा नहीं उतारी थी तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दी। क्या मतलब रिजेक्ट कर दिया? Are you crazy? इतनी प्यारी लड़की को तुमने रिजेक्ट कर दिया? ओ हेलो माय डियर फ्रेंड सलमान बकार, इस कंपनी को प्यारी खूबसूरत लड़कियां नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट स्किलफुल। और वैसे भी इस पोस्ट के लिए मैं ऑलरेडी एक कैंडिडेट को हायर कर चुका हूँ, बट ये जो लड़की है क्या नाम था इसका, उरूज, शी इज वेरी वेरी एजुकेटेड एंड वेरी सिंसियर टू हर वर्क, बट आई एम सॉरी। तुम उरूज को कल बुलाओ। आई एम टेलिंग यू, तुम उरूज को हायर करोगे तुम्हारी कंपनी को उरूज मिलेगा। बुलाओ से कर। तो
तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लो। इज्जत की बात तो देखो कौन कर रहा है, तुम्हें बड़े छोटे से बात करने की तमीज नहीं है? वरना बस कर दें ये सब, और कितना जुल्म करेंगे। आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने घर में बात की, कब कबूल कर रहे हैं वो अपना जो? इसको यहां से लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मारोगे मुझे? मारो मुझे, मारो, चलाओ ना गोली, चलाते क्यों नहीं हो? कत्ल कर दो मेरा। कह देना आरित से कि एक मां ने अपनी बेटी के लिए जान कुर्बान कर दी। चलाओ गोली, चलाओ ना। अरे जाओ मुस्तिल, तुम क्या गोली चलाओगे किसी पर? तुम्हें रीच को ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा। तुम लोगों की तरह कारोबारी नहीं हूँ जो सस्ते और महंगे का हिसाब करती फिरूंगी। एक माँ हूँ मैं। तुम अगर रीच को यहाँ से लेकर गई तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें जो करना है तुम करो। नासिर भाई सब खैरियत है? फाइल कंप्लीट हो गई भाभी? जी।
तुम लोग समझ नहीं रहे नजीमा, वो बहुत खतरनाक और ताकतवर लोग हैं। हम उनसे जंग नहीं कर सकते, वो हमारा इस शहर में जीना अजाब कर देंगे। तुम क्या समझती हो वो रूज की जिंदगी में कोई आसानी आने देंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं नसीमा, कभी भी नहीं। तो क्या मास्टर साहब उनके डर और खौफ से हम घर में बैठ जाएं? ये शहर छोड़ के चले जाएं? जब हम उनसे जंग ही नहीं कर सकते तो फिर घर बैठने और शहर को छोड़कर जाने में क्या बुरा है? वो मेरी बच्ची की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल बना देंगे। मास्टर साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। आप मायूस ना हो, बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमें दुश्मन के शर से बचाए। वो मैं आपके लिए सूप बना के ला दूँ। जब बाइक संभालनी नहीं आती तो क्यों इस उम्र में सड़क पर ले आते हो? देख रहे हो, डेंट डाल दिया तुमने मेरी गाड़ी पे। सही कह रहे हो सलमान, गलती मेरी ही है। ये सब कहकर तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो, है ना? कि सारा कसूर मेरा और तुमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुमसे बात करने आया था। जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो क्यों भिखारियों की तरह मेरे पीछे पड़े हो? चलो यहां से। ठीक कह रहे हो, बेटी का बाप भिखारी तो होता है अमीर दामाद के सामने। ज्यादा डायलॉग बाजी ना करना मेरे साथ। गार्ड्स, उठाओ इसका बाइक और धरो। जब तक ये पैसे नहीं देगा इसको बाइक नहीं मिलेगी। मेरे बाप, मेरी बच्ची को अपने जोमान में रख, उसकी हिफाजत कर मेरे मालिक, उसके लिए आसानियां पैदा कर, आसानियां पैदा कर। मैंने बर्बाद किया? हाँ, तुम्हारी जुरत कैसे हुई कि तुम मुझसे इतनी फजूल बात करो? असल में मरीज भी आपके पास है तो रूज का रो रो के बुरा हाल है, उस पर रहम करें। अभी भी वक्त है, शराफत से यहां से निकल जाओ वरना गार्ड से कह के धक्के मार के निकलवाऊंगा तुम्हें। ऐसा ना करें, मेरी बेटी पागल हो जाएगी। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी है वो? किस रिश्ते से?
आप कुछ भी कह लें, लेकिन अरीज और उरूज को खुद से अलग ना करें प्लीज। ज्यादा डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। निकलो यहां से। यार वो मेरी, तुम्हारा उसके साथ जो भी रिश्ता था ना वो मेरी वजह से था। अब जब मेरा रिश्ता बचा नहीं तो तुम कौन सा रिश्ता निभा रहे हो? सलमान तुम बिना वजह जज्बाती हो रहे हो। हालात इतने खराब नहीं हुए कि वापसी का रास्ता भी ना बचे। वापस जाना ही कौन चाहता है? और तुम्हें क्या लगता है जो कुछ हो रहा है सब टाइम पास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा? अरूज और मेरे बीच में सिर्फ एक रिश्ता बचा है, वो है दुश्मनी का। उसका जो भी साथ देगा ना वो मेरा दुश्मन। तुम मेरी दोस्ती पे कैसे शक कर सकते हो यार? बिल्कुल कर रहा हूं। तुम मेरे दुश्मन का साथ निभा रहे हो और मैं तुम्हारी दोस्ती पर शक भी ना करूं? सीधी बात नहीं है सलमान। अच्छा अच्छा तो फिर आओ निकालो से बाहर, निकालो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मैं किसी और के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। I'm really sorry. यार सलमान मजा नहीं आ रहा ना। मुझे लगता है कि तुम उन्हें कुछ मजीद परेशान करना चाह रहे हो। क्या आप और मॉम ये नहीं चाहते? मेरी तो खैर है बेटा। मगर शाइस्ता का ख्वाब है कि महरीन और उरूज को बर्बाद कर दिया जाए। सब देखो ना कैसे दोनों मास्टर के यहां पड़े हुए घर पे। क्या करना चाहिए? मैं अरूज को बर्बाद करना चाहता हूं। देखो बेटा मलिका मक्खी तक पहुंचना आसान नहीं होता। बल्कि यूं समझो नामुमकिन होता है। मलिका से मोहब्बत करने वाली मक्खियां हर वक्त उसके गिर्द हिफाजती हलका बनाए रखती हैं। चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो फिर क्या किया जाता है? वहां वहां बेटा इतना धुआं उड़ाओ कि मक्खियों को दिखाई देना ही बंद हो जाए। और उन्हें अपनी पड़ जाए। हैं? मैं मलका मक्खी को अकेला कर देना चाहता हूं। हाँ अब समझे तुम। मुझे धमकी दे रहे हो सलमान? बिल्कुल दे रहा।
थमो सलमान, मेरे बचपन के दोस्त, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। सारे रिश्ते नुकसान और फायदे के होते हैं, यहां कोई किसी का नहीं है। अभी भी वक्त है, सोच लो या फिर क्या करोगे? मैं जो तुम्हारा ऑफिस है ना, ये मेरे टेंडर्स पर चल रहा है, सबके सब टेंडर्स वापस ले लूंगा और तुम जमीन पर आ जाओगे। सलमान, कंपनी तो शायद फिर से खड़ी हो जाएगी, लेकिन तुम आज जिस तरह मेरी निगाहों से गिरे हो ना, शायद कभी खड़े नहीं हो पाओगे। तुम्हें जो भी करना है ना कर लो, उरूज भाभी यहीं पे जॉब करेंगी, वापसी का रास्ता बोल। परेशान ना हो मेरी बहन, मुश्किल के दिन जितने भी तवील हों, राहत की शाम जरूर आती है। मास्टर साहब, मुझे भी पूरा यकीन है। अच्छा वक्त जरूर आएगा। तेरे हवाले दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तू।